तो वेलकम टू द सेकंड पीरियड और सेकंड क्लास ऑफ अरिथमेटिक्स थ्योरम, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जो अपन कल कर रहे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये थी कि इन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स विच आर यूनिक रिगार्डलेस द ऑर्डर। बिल्कुल, कंपोजिट नंबर कोई भी ले लीजिए। चलिए सबसे छोटा नंबर लेते हैं, एक मान लेते हैं सिक्स, बहुत छोटा कंपोजिट नंबर है। द फैक्टर्स आर टू एंड थ्री ओनली, क्या इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर है? नहीं, इसके और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, यूनिकनेस है, ये यूनिक है टू और थ्री। एंड रिगार्डलेस द ऑर्डर दैट मीन्स सिक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 or 3 and 2 is one and the same thing. ये बात हो रही थी अपनी, है ना? HCF और LCM लेना सीखा था अपन ने, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हुए लास्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को यूं कह लीजिए, एक प्रॉब्लम को वापस से सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं आज, ठीक है? वापस से वही कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर, बियॉन्ड एनसीईआरटी, ताकि हमें पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। जैसे अपने ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किया था, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर फॉर्मेटिव, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट द टॉपिक वाज ओवर। चलिए सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इसे कंप्लीट करते हैं, है ना? इट सेज वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ two numbers for 420 and 50 suppose. चलो बात समझी हुई है अपन ने, कोशिश करें जरा खुद करने की। वो कह रहा है कि LCM और HCF का product जो है वो product of two numbers के equal होता है, verify कीजिए for two numbers 420 and 50. I hope all of you are doing it with your pen and pencil. मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ी देर बाद और इंटरेक्टिव क्लास करेंगे, मैं आपसे आपकी कॉपीज बोलूंगा दिखाओ, वीडियो भी ऑन करूंगा, जैसे अभी ऑडियो ऑन करता हूँ फिर वीडियो ऑन करूंगा, कहूंगा आपसे कि आप वीडियो में मुझे शो मी योर कॉपी। ओके, चलिए कोशिश करिए जरा बेटा, सबसे पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले 420 और 50 के, और अगर हम वर्बली नहीं निकाल सकते हो तो आपसे बार बार कहा जा रहा है कि रफ वर्क का यूज करें, रफ वर्क करें, 420 टू 210 टू 105 521 37, चेक करें, आपके पास यही प्राइम फैक्टर्स आएंगे। और जो कल अपने से पूछा जा रहा था वो यही था, यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब ये है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के अलावा और कोई इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं है, दे आर यूनिक रिगार्डलेस द ऑर्डर। आपने 2 को पहले लिखा है, 3 को, 5 को, 7 को, इस मर्जी को लिख लीजिए, प्रोडक्ट है, जैसे मर्जी लिख लीजिए, है ना? फिर आपने 50 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालिए होंगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर, चेक करिए जरा आपके पास में 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 के भी फैक्टर्स आ गए होंगे। कल बात हो रही थी HCF और LCM समझाया जा रहा था, सालों से लेते आ रहे हैं वही काम वापस करना है। चलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या ले सकते हैं? एक के पास 2 इंटू 2 यानी 2 2 है और एक के पास 1 ही 2 है, कॉमन क्या है? बिल्कुल केवल 1 2, और एक के पास 2 5 है और एक के पास 1 ही 5 है, 5 और 5 स्क्वायर कॉमन क्या है? 5, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5x और 25y में कॉमन क्या है? तो 5 ही है, 25 तो कॉमन हो ही नहीं सकता, है ना? सो द HCF इज 10। सिमिलरली LCM, लेट्स चेक आउट द LCM। अगर हमें कोई कहे कि 1/2 और 1/4 को ऐड करना है और इनका एडिशन से पहले LCM लेना है, तो हमें मालूम है LCM ना
टू नहीं होगा, वो एलसीएम होगा फोर. तो एलसीएम ऑफ टू स्क्वायर एन टू इज टू स्क्वायर, फाइव एंड फाइव स्क्वायर इज फाइव स्क्वायर, देन थ्री एंड सेवन बोथ विल कम इन एलसीएम. ऑफकोर्स हमें मालूम है अच्छी तरह से, अगर ये 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 7 होता तो इसका एलसीएम 3 होता या 7 होता? बिल्कुल, इसका एलसीएम दोनों होता, इसका एलसीएम दोनों होते हैं, 3 और 7 दोनों होते हैं इसके एलसीएम में, है ना. चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं एलसीएम की. 4 इंटू 25 इंटू 21, 4 इंटू 25 इज 100 एंड इंटू 21, दैट मीन्स 2100 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स. राइट, ये बात हो गई थी. द क्वेश्चन इज ओवर ना, अभी तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन. द क्वेश्चन सेज वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स. तो वेरीफाई कर दीजिए. चलिए, एलसीएम इज 2100, द एचसीएफ इज 10, is equal to product of two numbers. So number diye hue the apne paas mein wo the 420 into 50. Chale, ye to ho gaya 21,000. Left hand side to kehti hai ki product of LCM and HCF is 21,000. What does right hand side say? It says 42 into 5. 5 to 10, 1, 21,000 only. Since the left hand side is equals to right hand side, hence verified. हम verify कर चुके हैं कि the HCF into LCM of two numbers is equals to the HCF and LCM of two numbers is equals to the product of two numbers. Or yesterday only we have discussed this thing. That why we are emphasizing on the product of two numbers. It is not numbers, this is only for two numbers. और हमने शायद यही चीज अपने कल तीन नंबर लेके कर दी ली थी. आप चाहे कोई और एग्जाम्पल लीजिएगा, तीन नंबर लीजिए, उन तीनों का एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, उनका प्रोडक्ट कभी भी उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता. ठीक है बेटा, चलिए. तो ये तो हुई कल की बात, आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं इस टॉपिक में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाले टॉपिक में थोड़ा सा आगे और चलते हैं. ठीक है, अगर हमें किसी फ्रैक्शनल नंबर्स का, हमें किसी फ्रैक्शनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो क्या करते हैं? चलो डेसिमल के फॉर्म में लेके देखते हैं. ठीक है, या यू कह लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं. चलो, इसे find the LCM of 0.2, 0.25 and 0.35. 0.2, 0.25 and 0.35. मान लीजिए इनका LCM निकालने के लिए हमें कहा जाए. तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात, ये सारे नंबर जो है ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, इनका डिनोमिनेटर वन नहीं है, इसलिए इनको पहले लिख लेते हैं नंबर्स क्या है. द गिवन नंबर्स आर 2 अपॉन 10, 25 अपॉन 100 एंड 35 अपॉन 100. चेक कीजिए, हम ऐसे नंबर्स का एलसीएम निकालना चाहते हैं जिनका डिनोमिनेटर वन नहीं है, यानी यूं कह लीजिए फ्रैक्शन नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो क्या करते हैं. ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर को एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर को, चेक करिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स को एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन नंबर्स में. याद रखेंगे,
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे HCF पूछता तो HCF न्यूमरेटर का ही निकालते हैं लेकिन डिनोमिनेटर का उल्टा निकालते हैं, यानी अगर HCF पूछा होता है तो यहाँ पे LCM निकालते हैं, अगर LCM पूछा है तो HCF निकालते हैं, डिनोमिनेटर का उल्टा निकालते हैं। अगर हमें LCM चाहिए तो HCF निकलेगा डिनोमिनेटर का। जरा चेक करते हैं इस केस में LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का LCM एक है 2, एक है 25 और एक है 35। इनका LCM अगर अपन चेक करें तो हमारे पास में आ जाएगा मेरे ख्याल से 7 × 5 = 35 × 10 यानी कि 350। द LCM ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 350, राइट। चेक करें 2, 25 और 35 का LCM 5 × 2 × 5 × 7। LCM हम सबको लेना आता है, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो इनका LCM है 350 और किससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के HCF से, डिनोमिनेटर का HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10, 100 एंड 100 इज 10 ऑनली, राइट। तो 10 से इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका LCM हो जाएगा 35। इन नंबर्स का LCM हो जाएगा 35, इसका 0.2, 0.25 और 0.35 का, 0.35 का LCM हो जाएगा 35। दोबारा से समझाता हूँ, इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए उसने LCM नहीं पूछा और उन्हें बोला कि फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। चलिए आप खुद करें इस बार, फाइंड द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स 2/10, 25/100 और 35/100 का HCF पूछा है अपने से। HCF of these three numbers कैसे निकालेंगे? बिल्कुल HCF of numerators निकालेंगे, numerator का वही निकालते हैं जो हमें दिया हुआ होता है लेकिन denominator का उल्टा निकालते हैं। तो denominators का उल्टा निकाले यानी क्या निकालेंगे, LCM of denominators निकालेंगे। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट है जो अपने को याद रखना है, इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ एनसीईआरटी से बाहर चलना ही पड़ेगा अगर हम मैथ के एस्पिरेंट्स हैं तो, है ना। सिंपल, जब हम फ्रैक्शन नंबर्स के एलसीएम निकालते हैं तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकलता है लेकिन डिनोमिनेटर का एचसीएफ, और इसी तरह से उल्टा हो जाता है। किस केस में हम अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ ही होगा लेकिन डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। चलिए चेक करें, 225 और 35 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना बेटा। तीन नंबर हैं 2, 25 और 35, इनका HCF 1 ही है और 10, 100 और 100 का LCM 100 है, तो हमें इसे 100 से डिवाइड करना है यानी हमारा आंसर 0.01 हो गया। हमारा आंसर 0.01 है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो हमने सेकंड, आज का सेकंड एग्जांपल है वैसे ये, यहाँ अगर आप देखें तो वैसे तो कल वाला ही किया था वेरिफिकेशन वाला। तो आज का कंसेप्ट पहला ये सीखा हमने कि जब हम किसी फ्रैक्शनल नंबर का HCF के LCM निकालते हैं तो हम डिनोमिनेटर का उल्टा करते हैं, न्यूमरेटर का तो सेम रखते हैं लेकिन डिनोमिनेटर का उल्टा करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या यूज है इस कंसेप्ट का, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, हमने ये किया ना। चलिए उस चीज को भी अपन एक बार समझते हैं, ठीक है। अगर दोनों में से एक नंबर मिसिंग हो, इफ HCF ऑफ ए कॉमा लेट द नंबर बी 1, 4, 2, 5, इफ सपोज 285 and LCM of the number, unknown number and 1425 suppose is 2850. I hope this part is visible of whiteboard. यहाँ पे लिखूँ, चलिए, and LCM
of A and 1425 is 2850. Now, meet karta hun, the whiteboard is visible to everybody clearly. Find A. आप में से बहुत सारे बच्चों को क्योंकि कंसेप्ट मालूम है, इजी है, वो स्टार्ट हो चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ. वो कह रहा है इसको रीड ऐसे करेंगे, इफ एचसीएफ ब्रैकेट ए कॉमा 1425 जो लिखा है ना उसको ऐसे लिख पढ़ेंगे, एचसीएफ ऑफ ए एंड 1425 इज 285 एंड द एलसीएम ऑफ ए दैट मीन्स द अननोन नंबर एंड 1425 इज 8250. Find A. What is A here? The unknown number. Language में देखें तो the HCF of 1425 and unknown number is this. LCM of 1425 and unknown number is this. Find the unknown number. Find the second number. If one of them is given to us. बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप start कर चुके होंगे. LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. सही है या गलत है? गलत है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. बिल्कुल. तो एलसीएम इज 2850, एचसीएफ इज 285, वन ऑफ देम इज 1425, द अदर नंबर इज अननोन टू अस. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम. इस टू को बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ इसलिए कि ये गलती नहीं होनी चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही होता है. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थ्री एंड ऑल, है ना. चलिए कोशिश करते हैं इसको. 1425 से जब इसे डिवाइड करेंगे 2850 को, तो यहाँ पे टू आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 1425 का डबल ही तो है 2850. तो टू into 285 is equals to A. So the unknown number is double of this. 25 are 10, 0, 1, 17, 7, 1, 5. The answer is 570. I suppose it is clear to everybody. कहाँ implement किया है कि हमें HCF भी मालूम हो, LCM भी मालूम हो, एक number मालूम हो और एक number नहीं मालूम हो उन दोनों पेयर में से, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर था जो मिसिंग था, है ना. चल सकते हैं बच्चे. चले थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़े से ट्रिकी या यूं कह लीजिए सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं. चलो, उसने कहा द एचसीएफ ऑफ the HCF of two numbers is 18. The HCF of two numbers is 18. And their LCM is 380. Is it possible? Is it possible? Give reason. Give reason in support of your answer. चलिए, दो साल पहले CBSE के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 mark का क्वेश्चन है. तो CBSE के 2 साल पहले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ 2 mark का क्वेश्चन है. जरा चेक करें थोड़ा सा, हमें मालूम है अच्छी तरह से कि NCERT नहीं या CBSE वाले जो हैं वो अपने हमेशा जो है पेपर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो हर एक क्वेश्चन NCERT में से ही आता हो ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आप में से किसी को भी मेरी वॉइस अच्छी तरह से ऑडिबल नहीं है तो जस्ट रेज योर हैंड. इफ एनीबडी एनी वन ऑफ यू इज हैविंग एनी ऑडियो प्रॉब्लम, इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू प्लीज रेज योर हैंड. नहीं,
हेलो कुशाग्र, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग कुशाग्र। गुड गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग कुशाग्र, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर, सर वॉइस सर बार बार सर ग्लिच हो रही है बार बार। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आई विल बी लिटिल बिट लाउडर नाउ। ओके, कोशिश करते हैं। वो थैंक नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर किसी एक स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो गुड, इट्स गुड। एक्चुअली क्या है, क्योंकि जो इक्विपमेंट वी आर यूजिंग, द डिवाइसेस विच वी आर यूजिंग आर चेंजिंग डे बाय डे। हम और एनहेंस करते जा रहे हैं डिवाइसेस की क्वालिटीज को एंड ऑल, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एम है अच्छी तरह से क्लास कंडक्ट कराने का, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, इससे मैं ये चीज पूछा था आपसे। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यस, द क्वेश्चन इज अ सिंपल वन। इट सेज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर इज स्टिल एलसीएम इज 380, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो भी, और नहीं है तो भी बताएं क्यों नहीं है। चलिए, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ चुका। कोई दो अननोन नंबर हो, उनका एचसीएफ 18 है और एलसीएम 380 है, क्या ये इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। क्यों? क्योंकि कभी भी एचसीएफ जो है वो एलसीएम के फैक्टर के अलावा नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूँ दोबारा से? नो, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल सिंस एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। द सिचुएशन इज इम्पॉसिबल बिकॉज एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम ही यही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन ने जितने भी अभी आज और कल जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सब में हम देख सकते हैं कि वो सारे के सारे जो है, थोड़ी देर चुप रहूंगा, एक बार थोड़ा सा ये राधे राधे आ जाए। चलिए, आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन टू थिंक। ओके, चलिए राधे राधे जा चुका, अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। यस, दोबारा पे आते हैं सॉल्यूशन पे। एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर है तो कॉमन कब आया होगा? जब एलसीएम है तो वो होगा ही, तभी तो आया होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा चेक करें, 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। 18 से 380 डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये इक्वेशन इम्पॉसिबल है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। दोबारा, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। आपने आज से लेकर जो कल क्लास कही है उसमें भी जितने क्वेश्चन करे हैं उन सब में देखिएगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर ही होता है, वो एलसीएम का फैक्टर होना ही चाहिए। तो ये जो सिचुएशन हमें दी गई है ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन का मतलब इतना ही सिखा, देखिए केवल इतनी सी एक आंसर येस और नो, और केवल एक छोटा सा रीजन एंड टू मार्क्स क्वेश्चन है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दिया था, इसीलिए कि आप जरा सोचें जरा इसके बारे में भी। अगेन अ वेरी सिंपल वन मार्क क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3691 एंड देयर एलसीएम इज ऑल्सो 3691। वट इज द एचसीएफ? वट इज देयर एचसीएफ? Good. The HCF is 1 because product of two numbers is equal to HCF into LCM. So LCM into HCF is equal to product of two numbers. So ध्यान दीजिए जरा,
3691 into HCF, which is not known to us, is equals to 3691, which is the product of two numbers. So what is the HCF? The HCF is 1. इसका मतलब उन दोनों के बीच का HCF भी 1 है. एक fake question था, ऐसे ही time pass करने के लिए दिया था. चलिए, दो questions और NCERT में भी given है. अब वापस NCERT पे आते हैं, ठीक है, और बात समझने की कोशिश करते हैं. अगर आपने NCERT देखी हो, जो आपको करनी चाहिए थी अपने आप, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिला होगा, शो दैट और वाई 4 raised to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, वेयर n is a natural number. So that 4 raised to the power n can never end with the digit 0, where n is a natural number. समझे चल, पहले solution से पहले question का मतलब समझे. चलिए समझते हैं question का मतलब क्या है. 4 की power n, 4 raised to the power n, and what the power can be? It should be a natural number, any natural number, okay? That will be 4 raised to the power 1, 4 raised to the power 2, 4 raised to the power 3, 4 raised to the power 100, anything. It's like a natural number. Prove karo ki 4 ki power kuch bhi kar de apan, to hamare paas mein kabhi bhi jo hai, 0 डिजिट एक ये एंड नहीं होगा. इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0. इसके एंड में 0 नहीं आएगा. छोड़ो 4 की पावर n, या 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4 में कभी लास्ट में अपने पास में 0 आ जाएगा? नहीं. तो पहले तो ये सोचते हैं कि 0 किसके एंड में आता है, किसके स्क्वायर या किसका क्यूब करते हैं तो उसके एंड में 0 आता है. 10 का स्क्वायर करें, 10 का क्यूब करें, 10 की पावर 4 करें, 100 की पावर करें, 20 की करें, 30 की करें, 40 की करें, 50 की करें, इन सब की अगर कुछ पावर्स पास करते रहें, उनको मल्टीप्लाई करते रहें, तो दे विल एंड विद द डिजिट 0, राइट? लेकिन 4 raised to the power n और या 6 raised to the power n या 8 raised to the power n, 2 raised to the power n will never end with the digit 0. Why? What is the reason? Now, again, fundamental theorem of arithmetic says that the prime factors of a number are unique. The prime factors of a number are unique. जैसे 6 है बेटा, 6 के factors होते हैं 2 और 3. या 2 और 3 को हम infinite times में multiply करते हैं, तो 0 आ जाएगा कभी? 10 आएगा कभी? नहीं. चलो 6 को दो बार multiply कर देते हैं, यानी 2 into 3. 2 into 3 को हमने एक बार और मल्टीप्लाई किया था, 3, ये 6 स्क्वायर हो गया, 6 क्यूब करते हैं क्या हो जाएगा, 6 into 6 into 6, यानी कि 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, क्या इनके घर में कभी 5 पैदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैथ की जेनेटिक की थ्योरम यानी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक. प्राइम फैक्टर्स 6 के 2 और 3 हैं, इनके 6 के फैक्टर 5 है ही नहीं, 5 इसके घर में कभी आता ही नहीं, 5 के टेबल मतलब 5 इसके टेबल में कभी नहीं आता. तो जब इसका मल्टीपल ही नहीं है, इसका फैक्टर ही नहीं है, और जब इनके घर में 5 होगा तो 2 और 5 मिलकर 10 बनाएंगे ना, डिजिट 0 बनाएंगे. ये कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दें, कभी 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, यूनिक है ना प्राइम फैक्टर. तो जब तक 2 और 5 दोनों नहीं मिलेंगे तो 10 नहीं होगा, और इसलिए इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0. ओके, चलिए कोशिश करते हैं इसका सॉल्यूशन भी लिखने की. 4 इज 2 इंटू 2 अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम factors of a
नंबर आर यूनिक सिंस फाइव इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फोर हेंस इट विल Hence, it will never end with the digit zero. चलिए व्हाइट बोर्ड पे फोकस करिएगा, मैंने क्या लिखा है और उसको समझाते हुए चलता हूं. हम ये कह रहे हैं किसी के भी प्राइम फैक्टर्स में टू और फाइव दोनों होंगे, then it will end with the digit zero. इस केस में क्या हुआ, फोर है, फोर के फैक्टर में फाइव नहीं है, और जब तक फाइव नहीं होगा तब तक इट विल नेवर एंड विद द डिजिट जीरो. और फाइव क्यों नहीं होगा, इसके लिए हमने ये जरूर मेंशन करना है, दिस इज टेक्निकल टर्म एंड इट शुड बी मेंशन इन आवर आंसर दैट अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वी नो दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर यूनिक एंड फाइव इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फोर, हेंस इट विल नेवर एंड विद द डिजिट जीरो. तो हम फोर को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके घर में फाइव नहीं आएगा, और जब तक फाइव उसका एक फैक्टर नहीं होगा तब तक इट विल नेवर एंड विद द डिजिट जीरो. क्योंकि किसी भी नंबर की पावर कितनी होती है वो उससे एंड होगा, यानी जीरो से तब एंड होगा जब उसके पास में टू और फाइव दोनों उसके फैक्टर्स हों, है ना. इसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है कि वाई इट इज अ कंपोजिट नंबर, समथिंग लाइक दैट. चलो देखिए क्या था, वो क्या था, वाई 17 into 16 into 15 plus 17 is a composite number. बिल्कुल, हमें अच्छी तरह से मालूम है कंपोजिट वो जो किसी के टेबल में आते हो. अब ध्यान से देखें ये नंबर दो डिजिट से मिलकर बना है, राइट. दो एक्सप्रेशन है उसमें, दोनों में 17 कॉमन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 कॉमन लेके 16 into 15 plus 1, कोई प्रॉब्लम नहीं. और कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए होता है, एक फैक्टर ही तो चाहिए होता है, तो बस इतना क्या लिखना है, सिंस 17 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर वो जिसका अपने अलावा कोई और फैक्टर भी हो, बस, है ना. तो इसका एक फैक्टर कौन है, 17, hence it is a composite number. बहुत अजीब सा लग रहा होगा सर, बस इतनी सी बात बोलनी थी क्या, बिल्कुल इतनी सी आंसर देना था, 1 मार्क का क्वेश्चन है. एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वेश्चन इज गिवन इन एनसीईआरटी, इससे मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ. 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 6 है, मान लीजिए. क्या प्रूव कर सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है, वी नीड नॉट टू डू द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, कैलकुलेशन के बिना ही अपन बता सकते हैं ये कंपोजिट नंबर है. और जिसको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और अभी भी यू कैन रेज योर हैंड. कैलकुलेशन नहीं करनी, बिना बता देते हैं. चलिए तो छोटा नंबर था, बड़ा 91 × 90 × 89 + 89. So that it is a composite number. What is common in these two numbers? Of course, 89. So kya jayega? 91 × 90 + 1. Since 89 is a factor of the given number, hence it is a composite number. It is not a prime number, kyunki ye 89 ke table mein aayega. 89 se divisible hoga. Theek hai? Still, if anybody has a problem, just raise your hand, bache. Good. So try to do the questions which are given in NCERT. Today by evening you will get the assignment of this topic. This is arithmetic theorem bhi kehte hain, it's a fundamental theorem of arithmetic. And ji Lakshmi se apeksha. Hello apeksha. Hello. Ah, apeksha. Good morning, sir. Good morning, apeksha. Good morning, apeksha. Sir, can you please again explain this, sir? The last example?
लास्ट एग्जाम्पल बच्चे, चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखें कोशिश करते हैं। 19 into 18 into 17 plus 19 into 15 इसलिए कंपोजिट नंबर। हाँ क्यों, क्योंकि ये थ्री के टेबल में इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 19 से भी डिवाइड हो रहा है। देखें जरा अपन इसे ये तो कहेंगे सिंस 19 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस दो लाइन का आंसर है, ठीक है। चलिए गुड लक, गुड बाय, एंड इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल मेक अ कॉल।